नमस्कार फ्रेंड्स, आज ठार प्राय 4500 वर्ष पूर्वर इजिप्ट एमती एक विचित्र जिनस बनाह जहाँकि आज भी लोक मान आश्चर्यचकित कर दे ना हो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। पखापाखि 147 मीटर उच्चता विशिष्ट यही विशिष्ट कारीगरी 4000 वर्ष पूर्वर लोक मान द्वारा या आश्चर्य सतरे मन में बहुत प्रश्न सृष्टि करे। एते भारी भारी पत्थर गुड़ी को नहीं गढ़ा विशाल पिरामिड्र आनुमानिक ओजन प्राय 6 मिलियन टन बा 60 लक्ष टन बोली आकलन करा जोटा कि आज दुबई में थिबा बुर्ज खलीफा ठारू भी आहुरी अधिका जहाँकि बुर्ज खलीफार ओजन प्राय 5 मिलियन टन होता बेले ये ताठारू भी आहुरी अधिका ओजन। ए सब पर सबुठारु बड़ प्रश्न हेउची ए रहस्य को एक्चुअली से समय केमिति बनैथिले जो समय कि कौनसी क्रेन बुलडोजर कि कौनसी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी भी आविष्कार हो नथिला एमिति कि सेमानक पाखरे कौनसी व्हील बा चक्कर आविष्कार भी हो नथिला। तापर भी से समय रे कारीगर माने एमिति गोटे मोन्युमेंट तयारी करछंती जहाकि 4000 वर्ष पर भी आमे माने ताको संपूर्ण भाव बुझी पारु नाय। आउ निजे थारे भाबिकि देखंतु कि एते वर्ष तळु एमिति गोटे स्ट्रक्चर जहाँकि कित्ते वर्षा कित्ते उत्तप खरा कित्ते साइक्लोन कित्ते सैंडस्टॉर्म आउ कित्ते जे नेचुरल डिजास्टर को सामना करिकी से एबी भी सेमिति स्टैंड करिकी अछि। आउ दीर्घ 4000 वर्ष धरी इत्ते सब डिजास्टर रो सामना करिकी कोनोसे भी बिल्डिंग बा मनुष्यकृत वस्तु सर्वाइव करि पारि नथाय तो एमिति चमत्कारी केमिति हेइ पारिला कोन हेइथिबो इजिप्ट रो ए पिरामिड रो तयारी हेबा पछरे रहस्य। तो फ्रेंड्स एबे ए वीडियो माध्यम रे आमे जानिबा कि पिरामिड रो तयारी विषय रे समस्त रहस्य गुडी को बस आपण वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आमे जदि फ्रेंड्स इतिहास रो पृष्ठा को पछक जाई देखिबा कि एक्चुअली ए सब केमिति आउ क्यों समय रे हेतिला तो आमे आहुरी छंदी हे जिबा कि हिसाब लगेला बेळ को सेति लागि आउ केतक स्टडी रो अनुमान करा जाय जे ए ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को ख्रीष्टपूर्व 2560 फ्यारो खुफुंक द्वारा तयारी करा जायतिला। से समय रे इजिप्ट रे राजा मानंकु फ्यारो उच्चारण रे संबोधन करथिले सेमिति तो किछ प्रमाण नाही किंतु पर्टिकुलरली जदि फ्यारो खुफुंक कथा कहा जाए तेबे से थिले ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट रो चतुर्थ राजकीय वंशर द्वितीय राजा जे कि केते वर्ष धरि शासन करथिले तार किछ एक्युरेट तथ्य मिलि पारला नाही। आउ केतक ऐतिहासिक माने मत दियंती कि 23 वर्ष किए कहते कि कहते 24 वर्ष कि किए कहते 34 वर्ष कि आउ किए कहते मुझे 60 वर्ष भी अधिक होता पारे। आउ जदि यार वीडियो एवं फोटो देखिबे तो ई फोटो अनुसार ये स्ट्रक्चर नाइल नदी पश्चिम उपकूल रे तयार हेछि एथिरु देखिबे कि सेई उपकूल रे केवल गोटे पिरामिड नहे सेई भली आउ दुईटी पिरामिड देखा जीवो सेति भीतर बड़ पिरामिड टी को पिरामिड ऑफ खुफू और छोटो टी को बा सेकंड हाईएस्ट पिरामिड को पिरामिड ऑफ खाफ्रे बोली कह जाए कहीं एक भी सुना जाए कि खुफू को पर पुओ सेकंड हाईएस्ट पिरामिड को बनते आपर आउ गोटे सबुठ छोटो पिरामिड जार ना पिरामिड ऑफ मैनकोरे कहते जे मैनकोरे खाफ्रे पुओ थे सेते बेलर जमानार यही तीनोटी पिरामिड्स केवल नथिला या व्यतीत आउ केतक मोन्युमेंट्स लाइक दि ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा केतक वॉरियल टोम्स आउ केतक छोट छोट पिरामिड्स भली अनेक गुड़िया मोन्युमेंट्स ए तयारी हो कि रही छे। एबेकार परिस्थिति रे आमको सेठा 118 टी पिरामिड देखवा को मिलुछे जहाँ कि विभिन्न साइज रे अवेलेबल रहुछे सेमानक भितर केते गुड़िया वेदर चेंज बा क्लाइमेटिक चेंज लागि खराब होय आसिलानी किंतु सबुठ बेस्ट बा वेल प्रिजर्व्ड कंडीशन रे रहिछि एई तीनोटी पिरामिड स्पेशियली दि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। किंतु क्वेश्चन उठे जे एई पिरामिड को सेमाने काहेकि तयारी करथिले कारण एया कि जोथिपई समस्त राजा महाराजा माने विभिन्न प्रकार मोन्युमेंट्स तयारी करथांती जहाकि एहाको गोटे समाधि स्थल भाबरे तयारी करा जायथिला। आउ से समय रे फारम मानंकु मृत्यु पर से स्थान कफिन भितर रखी पोता जाऊ थाए। तो फ्रेंड्स एक्चुअली इजिप्शियन माने आफ्टर लाइफ ऊपर बहुत विश्वास कर जानते जो कि सेमाने भावते कि मृत्यु पर शरीर आत्मा अलग होई तांको गॉड को सहित रही थाए से लगे सेमाने मृत्यु पर जीवन को बहुत भलरे काटापी साथी बहुत सारा खाद्य पानीय गहना गांठी अन्य समस्त ऐश्वर्य मूल्यवान पदार्थ साथी रखि था पिरामिड भितर आउ अंधविश्वास को सफलतापूर्वक फारफ मानकर ममिफिकेशन करा जाए
आउ गोटे कफिन ने बंद कर पिरामिड भितर पोता जाए था। तो ये आपण मैंने पचारे कि तुमको केमी जना पड़ा यही पिरामिड गुड़िक कार्यपाई व्यवहार कर। तो फ्रेंड्स अन्य समस्त पिरामिड्स आते गुड़े मोनुमेंट्स यही फैक्ट्स एज टेक्स्ट भाव में लिखित आकार में दर्शा जाइए। मॉमिफिकेटेड कफिन आउ मोनुमेंट वॉल्स विवरणी समस्त चित्र आकार में दर्शाई दी जाए। एस्पेशियली दि ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजार कहानी किंतु ए कहानी सहित अधाविधा मेल खाऊ कहीं जितेबले कतेक हिस्ट्रियन एवं कतेक भूतत्वविद ए पिरामिड को भितर को जाते भितर किसी खास मिल पार नाला केवल गोटे कफिन आते गुड़े भग्न पत्थर से मैंने अनुमान करती एते वर्षर शासन काल बीती भितर कहीं ना कहीं ये भितर को जा सब संपत्ति लुटी नहीं जाइ थिबो। किंतु आउ कतेक गवेषक मैंने या अपोज करके अन्य एक प्रकार मत दे था जहाँकि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा हूँ गोटे इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जोटि की इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करके रखा जाए। आहंती जे इजिप्शियन माने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड थिले से माने काले से समय इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रिक बल्ब या जानी थे आउ ए मत को एविडेन्सियली प्रूव करने देखा जाए गोटे एटवर्क जो थे कि गोटे बल्ब शेप वस्तु आउ किसी लोक मैंने ताऊपर गवेषणा करुछंती चित्र से मानकर केते गुड़िया पुराणा मंदिर मानकर दर्शाई सठिक उत्तर तो नुह हेले अनुमान करी एभली उत्तर गुड़ी को विभिन्न गवेषक मैंने देखती कहीं एमितिका कन्स्पिरेसी थ्योरी केवल शुणा को मिली था जोटी की कौन पर्टिकुलर प्रूफ मिले ना किसी भी वस्तु की आउ किसी अलग किसी बुझाऊ कौन आर्टवर्क कि मोनुमेंट को अनुमान करके निज निजर मत दे था गवेषक विभिन्न पॉलिटिशियन मैंने जदि से लाइट बल्ब तैयारी टेक्निक जना था एत वर्ष धरी अन्य कौन प्रमाण कहीं सेमती अन्य एक कन्स्पिरेसी थ्योरी देखा मिले कि यही पिरामिड्स केवल खाद्य पदार्थ स्टोर करने व्यवहार कर जो थे कि से समय बहुत दिन धरी स्टोर कर ग्रोसरी सब रखा जाए। यही थ्योरी को वेन कार्सन नामक जने अमेरिकन पॉलिटिशियन 1998 प्रोड्यूस करथिले तांको कहिबा अनुसार यही पिरामिड गुड़ी को जीसस क्रिस्ट फादर तैयारी करथिले आउ यही थ्योरी को तांकर पर्सनल थ्योरी बोली समस्त विश्वास करंती। Our personal theory is that Joseph built the pyramids in order to store grain. Now all the archaeologists think that they were made for the pharaohs. फ्रेंड्स यही टाइप रो कन्स्पिरेसी थ्योरी मेनली बनई था यही पॉलिटिशियन मैंने केवल गोटे कारण लगे जहाँकि रिलीजन को केन्द्र करके बड़ बड़ ओल्ड मोनुमेंट्स रो आउ कल्चरल एविडेंस को निज जाति अंतर्भुक्त करदेप किंतु एबकार हिस्ट्रियन मैंने एक सहमति दिंजे कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को गोटे समाधि स्थल भाव बनाई जाता हिस्ट्रियन मान मत अनुसार एनसीएंट इजिप्सियन मैंने भावती कि जिते सुंदर से कफिन बा समाधि होती सेते बढ़िया बा अयसरे तांकर आफ्टर लाइफ तांकर राजा महाराजा मानकर कटिबो। ए सब परे फ्रेंड्स मन रे सेही मुख्य क्वेश्चन आसीबो कि इमिति स्ट्रक्चर एक्चुअली केमिति हेतिला आउ 10 किंबा 20 मीटर नुहे जहाँ कि 147 मीटर उच्चता विशिष्ट ये स्ट्रक्चर जहाँ ओजन प्राय 6 मिलियन टन आउ जहाँकि गोटे गोटे पत्थर रो ओजन प्राय 2.5 टन रु आरंभ करके 80 टन पर्यंत सेट होइके अछि आउ से पत्थर को एमिति केमिति क्लियरली कटाई जो समय कि कौन से टूल्स भी नथिला एते बड़ बड़ पत्थर काटिबा पई आ खाली काटिबा नुहे फ्रेंड्स से पत्थर मानको केमिति एमिति बोहिकि नेले जहाँकि एमिति ऊपर को ऊपर रखी एभली सेप नहीं पारिछि जो समय कि कौन सी चक्कर भी आविष्कार हो नाला ये सब चमत्कार से मैंने कर देखते फ्रेंड्स 20 वर्ष लगी फ्रेंड्स से मानक एमती स्ट्रक्चर बनईदेपी के गुड़े थीओरी अनुसार जना जाए अनेक गुड़े विचित्र कहानी जहाँकि यही पिरामिड उपर से गुड़ा कही कौन सी लाभ ना कि कनसेप्ट भितर गोटे मिसकनसेप्ट बाहरी जहाँकि आम फिल्म मानक देखीचे जे एभली स्लेव लेबर मानक व्यवहार करी पत्थर को ऊपर को अणा जाए था प्राय सब लेबर मैंने गरीब श्रेणी रही था आमपर जड़े बस थाए से मारी पिटी नहीं कम करमी फिल्म मानक आप निश्चित देखिथे आउ यही कनसेप्ट को लोक मैंने बहुत दिन धरी विश्वास कर 5th century रे जड़े ग्रीक हिस्टोरियन जहाँ ना थिला हेरोडोटस से ही एमितिका कनसेप्ट आउट करते किंतु आजिका दिन में आम जानूचे जे ए कनसेप्ट हूँ संपूर्ण भूल
आउ एटा सत्य जे से समय रे जो लेबर माने थिले से माने हाईली स्किल्ड थिले से मानको भोकिला सोसिला रखा जाउ नथिला से मानको भल रे खाइबा पिबा देकी भल रे रखा जाउथिला आउ से मानको फुल हट्टा कट्टा करकी ही रखी थिले मेनली से माने विभिन्न शहर आउ विभिन्न एजुकेटेड कम्युनिटी को बिलोंग करथिले ता सह से मानको शहर रे विभिन्न कम्युनिटी रे विभिन्न मेंबर आउ रेस्टिंग पीपल मानकर मध्य सहाय मिली जाऊला ए पिरामिड तैयारी करने जमीक फार्मर्स फ्री टाइम जो समय कि कौन चाषवास न थाए से समय से आसी कन्स्ट्रक्शन साय करते गोटे प्रकार फ्रेंड्स कहवाक गले संपूर्ण किंगडम लोक मैंने मिलमिशिकी नेशनल प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करण से राजा उपर बहुत विश्वास रखुले टोटली कैलकुलेट करिवा को गले पाखापाखि 20 रु 30,000 लेबर माने दिन को 8 रु 12 घंटा धरी काम करथिले ए कंस्ट्रक्शन रे आउ जदि स्टोन ऊपर देखिबा ताहले 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन 8,000 टन ग्रानाइट एवं 5,00,000 टन मोर्टर को व्यवहार करा जाय छि ए पिरामिड तयारी रे एई सबु मटेरियल्स लोकेशन थारु साउदर्न रीजन रो प्राय 800 किलोमीटर दूर रो अणा जायथिला किंतु क्वेश्चन होउछि जे से पत्थर को सब कटा हेथिला केमिति फ्रेंड्स से समय कॉपर बा तंबा थिला एक मुख्य धातु जो थरे कि से सब प्रकार टूल्स तयारी कर जाउथिला आउ जो पत्थर गुड़िक सब हार्ड रहउथिला बहुत हार्ड रहउथिला लाइक ग्रानाइट से सब को से माने डोलराइट सहाय रे काटुथिले केते गुड़े प्रोसेस से मानकर बड़ा यूनिक थिला जेमिति कि पत्थर रे से माने फास्ट क्रैक्स खोजुथिले आउ से क्रैक्स बा फांक मानक रे काठ किला को बाड़े देउथिले एवं फांक रे पानी दे देउथिले पानी देकी बहुत समय छाड़ी देउथिले जहाँ फल कि पत्थर पानी सोक करके आराम रे फाटी जाउथिला या पर भी सबुठ इम्पोर्टेंट थिला ए कि से पत्थर सब को मूव केमिति करथिले से माने जो समय कि कोनोसी व्हील्स रो बा कोनोसी गाड़ी परिका जेनिस अवेलेबल भी नथिला जहाँ पर कि पत्थर थोइले आउ धक्का मारकी नहीं कि पळे आसिले तो सेमिति किछि अवेलेबल भी नथिला सबुठार प्लॉजिबल थियोरी एया कि एमाने गोटे गोटे भेला बा रैफ्ट तयारी करी सेथिरे पत्थर रखी नदी रे बसे बसे एते बाट आनी थांती आउ तापरे पत्थर गुडी को तापर को तापर रखिबा पई सेमाने स्लेज रो व्यवहार करथिले जोटा कि ओदा माटी रे तयारी हेता 2014 बा 2014 मसिया रे गोटे इंटरेस्टिंग जिनस जणा पड़ी जे गोटे आर्ट रहितला जे होती हो टेप रो समाधि भितरु एई आर्ट प्राय 1920 समय रो आउ ई पेंटिंग रु आपण देखुथिबे कि गोटे स्टैच्यू को 170 लोक मिसी कि भिड़ी भिड़ी नेउचंती गोटे स्लेज उपरे आउ इथिरे जदि आमे फ्रेंड्स ध्यान दे देखिबा कि जणे लोक केमिति से स्लेज आगर पानी पकाइ चली छि फास्ट फास्ट आर्कियोलोजिस्ट मैंने भाविले कि यहाँ कौन सी रिचुआल बा कल्चरल पद्धति होती है पर जितेबाला जड़े फिजिसीस्ट डैनियल वन तांको टीम या उपर रिसर्च कर देखिले कि से माने पाइले बाली रे जदि गोटे पर्टिकुलर बा सर्टेन अमाउंट रे जदि पानी पका जाए ताहले ता उपर घोसार के नउथिबा कोनोसी वस्तु बा बाली भीतर फ्रिक्शन कम होई जायथाय आउ से पानी रो एवं बाली रो परसेंटेज प्राय 2-5% बा मिनिमल 5% भीतर रहिथाय चलो ठीक अछि कि एमिति ट्रिक्स अप्लाई करके पत्थर गुडा को सब गोटे जगह अन्य जगह को नहीं आसतिले हेले बिना मशीनरी सहाय रे पत्थर सब को ऊपर को ऊपर रखिले केमिति जेमिति आमे जानि छि कि कोनोसी आकार रो पुल्ली यूज करके से पत्थर सब को रखा जाय परिवो हेले आमे प्रथम रो जानि छि जे से समय इजिप्शियन 4th डायनेस्टी शासन काल समय रे व्हील्स कोन जानि नथिले किंतु फ्रेंड्स से माने आउ गोटे उपाय रे गोटे रैंप तयारी करथिले जोटा कि 2015 मसिया रे इंग्लिश एवं फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट मानक द्वारा गोटे टीम जाई 4500 वर्ष बा 4500 वर्ष पुराना गोटे रैम्स पाइछंती जोटा कि इजिप्ट रो हेटनक थारे रहिछि आउ ए एक्सप्लोरेशन उपर रिसर्च करके जाना पड़े जे गोटे स्ट्रेट स्लोप तयारी हेतिबो संपूर्ण ग्राउंड थारु आरंभ कर टॉप पर्यंत ता उपर पत्थर को घोसारी नेबा पई से माने आउ गोटे सिस्टम व्यवहार करते कि जहाँकि संपूर्ण स्लोप से माने काठर गंडी को इमिति सेट करके रखी आउ दौड़ी सहाय पत्थर को बांधि इमिति भिड़ी भिड़ी नौते जमी आपण मैंने आर्टवर्क देखुंट आउ ये कनसेप्ट को सजेस्ट करते फिजिसीस्ट जोसेफ वेस्ट 2014 मसीह कहवा अनुसार पिरामिड्र केतक लेवल या पुणी गोटे नुआल बा लंबा स्लोप या कारण स्लोप रो एंगल सेम रहा दरकार तापर भी आउ गोटे थियोरी रु जना पड़े कि से माने लिवर रो सहाय करथिले पत्थर को ऊपर को ऊपर रखिबा पाए ए फिगर रे देखंतु एटा केमिति काम करे बेसिकली मझीरे गोटे बड़ा स्टोन बा मेढ़ी परिका रखा जाए
ଆଉ ତାର ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଠମଣ୍ଡି ରଖିକି ପଥରରୁ ପଥରକୁ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଆ ବା ଚୁଆର ଆଡ଼େଇକି। ଆଉ ଇଜିପ୍ସିଆନ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନାଇଲ ନଦୀରୁ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ପାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଯାକ ଥିଓରି ଶୁଣିବାକୁ ତ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍, ଯାହାକି ପିରାମିଡ଼କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଯଦି 20,000 ଲୋକ ଯଦି ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ପଥର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ, ତେବେ ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥର ପ୍ରତି 3 ମିନିଟ୍ରେ ପିରାମିଡ଼ରେ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ, ତାହା ପୁଣି ବର୍ଷକର 365 ଦିନ ଯାକ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି। ସେଥିଲାଗି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି। ଦୁଇଟା ଯାକ ଥିଓରି ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କନଫର୍ମ କରି କହି ହେଉନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କନଫର୍ମ ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କେତେଟା ଲେୟର ବିନା କୌଣସି ମୋର୍ଟାରରେ ଯୋଡ଼ାଇ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ହେଲେ ତାପର ଠାରୁ ଶେଷ ବା ସଭା ଉପର ଲେୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର୍ଟାରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଲାଗି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଷ୍ଟାବିଲିଟି ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୂକମ୍ପ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟରକୁ ପିରାମିଡ଼ ମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପିରାମିଡ଼ସର ବାହାର ପରତ ସାଇନିଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସନ୍ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ପିରାମିଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଫୁଲ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ବର୍ଷ ବିତିବା ଫଳରେ ବାହାର ଲେୟର ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ସ୍ପେସିଆଲି ପିରାମିଡ଼ସ ଅଫ୍ ଖୁଫୁ ଏବଂ ମ୍ୟାନକୋରେରୁ। କିନ୍ତୁ ଖାଫ୍ରେଙ୍କ ପିରାମିଡ଼ ଉପରେ ସେ ଜିନିଷ ଏବେ ବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅଛି। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପିରାମିଡ଼ସ ଗୁଡ଼ିକ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଏଇଟା ବି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିନେଟିଂ ଜିନିଷ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଡିଜାଇନିଂ ଏମିତିକି ପିରାମିଡ଼ସର 4 ସାଇଡ୍ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ଏବଂ ସାଉଥ ମାନେ 4 ଦିଗକୁ ଆକ୍ୟୁରେଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏରର୍ ଯେଉଁଟାକି 1/5 of 1 degree, ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ଭେରି ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ, ଏତେ ଆକ୍ୟୁରେସି ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି କମ୍ପାସ୍ ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ବିନା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା, ଏତେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିସନ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଜିପ୍ସିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲା କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ରିସର୍ଚର୍ ମାନେ ଥିଓରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଅଟମ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱିନକ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୃଥିବୀର ଟିଲ୍ଟିଂ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଏମିତି ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ବା ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ 12 ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବଧାନରେ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସନ୍ରାଇଜ୍ ଏବଂ ସନ୍ସେଟ୍ର ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଶାଡୋ ଅଟମ୍ ଇକ୍ୱିନକ୍ସର ଶାଡୋ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଟମ୍ ଇକ୍ୱିନକ୍ସ ଏରର୍ ଏଥିରେ ଦେଖାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ 1/5 of 1 degree ଯେଉଁ ଛୋଟ ଏରର୍ଟା ତ ଏଇ ଅଟନ୍ ଇକ୍ୱିନକ୍ସ ଏରର୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଉଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଥିଓରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କି କନଷ୍ଟିଲେସନ୍ ଉପରେ, ଯାହାକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ରବର୍ଟ ୱୱଲ୍, ଜଣେ ଅଥର୍ ଅଫ୍ ଇଜିପ୍ଟୋଲୋଜି ଏନ୍ଥୋସିଆସିଷ୍ଟ ଇନ୍ 1989। ଏହି ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ପିରାମିଡ଼ସ 3 ଯାକ ଆକାଶର 3 ସ୍ପେସିଆଲ ତାରା ସହ ଆଲାଇନ୍ କରିକି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ୱୱଲ୍ଙ୍କ ଓରିଅନ୍ କୋରିଲେସନ୍ ଥିଓରିରୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ଏହି 3 ପିରାମିଡ଼ସ ଓରିଅନ୍ ବେଲ୍ଟସ୍ର 3 ତାରା ସହିତ ଆଲାଇନ୍ କରିକି ତିଆରି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଏଇ 3 ତାରା ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲ ରହୁଛି, ଆଉ ଇଜିପ୍ସିଆନ୍ ମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମି ଉପରେ ଭଲରେ ନଲେଜ୍ ରଖିଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ରାତିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ପେସିଆଲ ତାରାକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସର୍ଟେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ମାନେ ୟା ଉପରେ ଓପିନିଅନ୍ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଥିଓରି ଯାହାର କି କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ 3 ପିରାମିଡ଼ସ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇନଥିଲା କି ତିଆରି ବି ହେଇନଥିଲା। ଆଉ 1999 ଯେତେବେଳେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମର୍ସ ମାନେ ଓରିଅନ୍ ବେଲ୍ଟସ୍ର ଷ୍ଟାର୍ସ ଆଉ ପିରାମିଡ଼ସ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟଡି କଲେ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓରିଅନ୍ ବେଲ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ସ ସହିତ ପିରାମିଡ଼ ଆଲାଇନ୍ ହିଁ କରୁନି, କାରଣ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ସ ମାନଙ୍କର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲାଣି, ଯାହାକି ଏବେଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ 100% ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁରା ପୁରା ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଗିକି ରୁହେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆମ ଦିମାଗରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ୟାଟର୍ନ ନେଇଥାଉ ଆଉ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ କି କୌଣସି ଆଙ୍ଗେଲରେ କିଛି ବି ପର୍ସନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଥିଓରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯିବ। ସେହିଭଳି ଏଇ ଟପିକ୍କୁ ଯଦି ଆହୁରି ଏକ୍ସାଜିନେଟ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ପିରାମିଡ଼୍ସକୁ ଏଲିଏନ୍ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନେଇବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କି ସେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ଯାହାକି ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପ୍ରୁଫ୍ ହୋଇପାରୁଥିବ, କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ, ଯାହାର କି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ 100% ତା'ର ବିପରୀତ ରାୟ ଦେଉଛି।
ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗୋଟିଏ କାମ ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସେତିକି ତଥ୍ୟ ରଖିବା ଯାହା ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରୁଥିବା ବା 100% ତା'ର ପ୍ରୁଫ୍ ଆମେ ଦେଇପାରୁଥିବା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ବାକି ସବୁ ପଜ୍ ବା ଇଦର ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଏବଂ ରିସର୍ଚର୍ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ରିଅଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।